इंदौर के आजाद नगर में एक मेडिकल दुकान पर और सियागंज स्थित एक टॉयलेट रूम में संत की तस्वीर लगाने के विरोध में हिंदू संगठन के लोगों ने इंदौर के सभी थाने में सोमवार देर रात ज्ञापन दिए और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। इंदौर शहर में बीते दिनों आजाद नगर में एक मेडिकल शॉप पर हिंदू संत के अपमान करने और सियागंज स्थित सेफी होटल के पास टॉयलेट रूम में संत की तस्वीर लगाकर उसे अपमानित करने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा इंदौर का 38 प्रखंड के छत्रीपुरा बाणगंगा सहित विभिन्न पुलिस थानों पर ज्ञापन दिया गया। बजरंग दल के इंदौर विभाग संयोजक तनु शर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन को असामाजिक तत्वों के खिलाफ ज्ञापन दिया गया है। यदि शासन प्रशासन इन लोगों पर कार्यवाही नहीं करेगा या इस तरह की हरकत फिर भी हुई तो बजरंग दल भविष्य में सड़कों पर उतरेगा और बड़ा आंदोलन करेगा। असामाजिक तत्वों को ऐसा कार्यों में हिंदू धर्म के लोगों की भावना आहत हुई है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। के अंतर्गत मेडिकल संचालक के द्वारा जानबूझकर मेडिकल दुकान के बाहर ऐसे स्थान पर जहाँ लोग खड़े होते हैं वहाँ संत श्री यति नरसिंह दास जी का चित्र लगाया गया ताकि लोग उनके ऊपर उनके चेहरे पर पैरों को रखकर खड़े हो। इस विषय में हिंदू संगठनों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई करने के बाद एक व्यक्ति मुसत्ता अली पिता रमजान अली पर मात्र 151 के तहत कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के समर्थन के लॉकडाउन होने के बाद भी सैकड़ों की संख्या में मुसलमान समाज के लोग एकत्रित हो गए थे। इन लोगों पर किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण असामाजिक तत्वों के घुसते और बुलंद हो रहे होते दिखाई दे रहे हैं। आज दिनांक 12/4/2021 प्रातः इंदौर के सियागंज क्षेत्र के एक पेशाब घर के अंदर नीचे जहां लोग खड़े होते हैं उस स्थान के नीचे श्री संत श्री यति नरसिंह दास जी का चित्र किसी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है जो कि जानबूझकर हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य में लगाया जाना दिखाई पड़ रहा है। पिछली घटना के समय कोरोना के लॉकडाउन के देखते हुए प्रशासन के सहयोग की भावना से हमने किसी प्रकार का मैदानी विरोध प्रदर्शन नहीं किया परंतु प्रशासन की ठोस का। आप किस विषय पे छत्रीपुरा थाना आए? दो दिन पूर्व आपने घटना देखी होगी कि आजाद नगर में कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने मेडिकल संचालक के द्वारा श्री नरसिंह दास जी महाराज सरस्वती का फोटो पेड़ों के नीचे रखा जिसमें हिंदू समाज की भावनाओं को बहुत ठेस पहुँची। हमने श्रीमान थाना प्रभारी आजाद नगर को भी ज्ञापन दिया और वहाँ पर उनके खिलाफ एक्शन कार्रवाई करी। हम संतुष्ट नहीं थे पर वर्तमान में कोरोना की महामारी को देखते हुए शासन प्रशासन से निवेदन करा कि ऐसे आसानी तक लोगों पर रासोई कार्रवाई करें आगे जो भी वो प्रशासन तय करें। पर अभी ये घटना हुई तो गर्म ठंडा हुआ नहीं, उसके पहले उन्होंने आज इंदौर के सियागंज के में सेफी होटल के पीछे एक बाथरूम की जगह पर श्री नरसिंह दास जी महाराज का फोटो लगा बाथरूम की जगह पर जिसमें वो कहीं ना कहीं हिंदू के भावनाओं पर बहुत भयंकर आघात पहुँचा है और बजरंग दल इसका विरोध करता है। विरोध करने पर अगर प्रशासन को हमने इंदौर के पूरे जितने भी थाने हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये सूचना पहुँचाई है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा इन पर ठोस कार्रवाई की जाए। अगर प्रशासन इसमें अगर चुकता है और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता है तो बजरंग दल चेतावनी देता है इंदौर प्रशासन को कि आगे पूरा बजरंग दल रोड पर सड़कों पर आएगा कि किसी प्रकार का कोई कोरोना महामारी नहीं देखी जाएगी क्योंकि हिंदुओं की आहत पर जो भी असामाजिक तत्व का ठेस पहुँचाएंगे तो बजरंग दल मुँह तोड़ जवाब देना जानता है। हमारी भावना से जो भी खिलवाड़ करेगा बजरंग दल सक्षम है जवाब देने के लिए, पर हम वर्तमान में परिस्थिति को देखते हुए शासन प्रशासन का समर्थन कर रहे हैं। पर अगर समर्थन करने के में अगर हमारी हिंदू भावना को ठेस पहुँचेगी तो हम जवाब देना जानते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों पर प्रशासन ठोस कार्रवाई करे, बजरंग दल नहीं तो मुँह तोड़ जवाब देगा। क्या नाम है आपका? तन्नु शर्मा, बजरंग दल इंदौर विभाग संयोजक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।